तो आज हम जानेंगे कि अगर आपके स्टूल में ब्लड जा रहा है तो उसके कारण क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे करें हम कि वो कहाँ से ब्लीड हो रहा है, और उसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है हमारे पास। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कुंदन खड़े। मैं एक जनरल सर्जन हूँ और प्रिस्टीन केयर में कार्यरत हूँ। तो आज के हमारे चर्चा का विषय है ब्लड इन स्टूल्स। ब्लड इन स्टूल्स तो कई प्रकार का हो सकता है। जो फ्रेश ब्लड होता है जिसमें क्लॉट्स आ सकते हैं वो मोस्टली लोअर जैसे होता है, मतलब आपकी बड़ी आंत का निचला हिस्सा। अगर ब्लीडिंग कहीं और ऊपर हो, ऊपर की तरफ हो बड़ी आंत में, तो आपका जो मोशन रहेगा वो डार्क रेड कलर का या ब्राउन कलर का भी हो सकता है। और अगर उसके भी ऊपर हो, मतलब अगर छोटी आंत में हो या फिर आपके पेट में हो, तो आपका स्टूल एकदम काले कलर का होगा, ब्लैक टारी स्टूल जिसे हम बोलते हैं। तो ये हुए अलग अलग प्रकार के ब्लीडिंग्स। तो ये जो फ्रेश ब्लीड है जो आपके बड़ी आंत के निचले हिस्से से आता है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो है पाइल्स, फिर फिशर के वजह से भी हो सकता है, फिस्टुला के वजह से हो सकता है, किसी एनल पॉलिप मतलब छोटी सी गठान की वजह से हो सकता है, या फिर आपके बड़ी आंत में अगर कोई अल्सर रहा तो उससे भी हो सकता है, कोलाइटिस जिसे हम हिंदी में बड़ी आंत की सूजन बोलते हैं उसके वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है, कुछ कैंसर अगर रहा बड़ी आंत में तो उसके वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। तो देर आर मल्टीपल रीजन जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग हो सकता है। सो याद रखिए, स्टूल में ब्लीडिंग होना ये कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये किसी एक बीमारी का लक्षण है। तो अगर आपके स्टूल में ब्लीडिंग हो रही है तो आपके नज़दीकी डॉक्टर को जाके मिलिए, ताकि हम ये ढूंढ पाए कि वो ब्लीडिंग एग्जैक्टली हो कहाँ से रही है। तो वो पता करने के लिए हमें कुछ जाँच करना ज़रूरी है, जैसे कि हमें दूरबीन से देखना पड़ेगा, जिसे हम कोलोनोस्कोपी बोलते हैं या एंडोस्कोपी बोलते हैं, कि वो आँख के किस हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है। क्या वो एकदम नीचे से है, पाइल्स या फिशर की है, या कहीं ऊपर से है, किसी गठान की वजह से है। तो इसके लिए कोलोनोस्कोपी करना बहुत ज़रूरी है। और एक बार हमें जब पता चला कि ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये जो लोअर जीआई का ब्लीड का जो कारण है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण उसका है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के इलाज में अभी काफ़ी नई तकनीकें आ गई है। अभी हम लेज़र से या स्टेपलर से इनकी सर्जरी कर सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक अभी मिनिमल पेन होता है इसमें, और रिकवरी भी काफ़ी फास्टर हो गई है अभी। तो याद रखिए, अगर आपके स्टूल्स में ब्लड हो तो आपको नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लेनी है, और अगर आपके मन में कोई और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन pristinecare.com। Pristine Care।